हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई, आज के व्लॉग में हमारी गाड़ी में यानी कि हमारी वरना में आ चुकी है एक दिक्कत। एंड अभी मैं भी शॉक्ड हूँ कि ये दिक्कत क्यों आई है। बेसिकली एक सेंसर का माल फंक्शन है, मतलब मुझे तो एटलीस्ट माल फंक्शन ही लग रहा है। सो वो क्या है, उसके लिए हम गाड़ी को ऑन करते हैं एंड फिर आपको पता लग जाएगा। सो लेट्स गो। देख रहे हो यार, TPMS का एरर आ गया है यार। अगर मैं टायर प्रेशर की बात करूं, चारों टायर्स में हवा नॉर्मल है एंड जिस साइड ये ब्लिंक कर रहा है, फ्रंट का जो लेफ्ट साइड का टायर है, इसमें भी हवा बिल्कुल ठीक है। बेसिकली जो ये एरर है, ये सुबह आया था। सुबह मैंने गाड़ी निकाली थी एंड मुझे लगा था कि एक बार देख लेता हूँ, इनकेस कोई पंचर वगैरह हुआ तो लो होएगा टायर प्रेशर। सो मॉर्निंग में तो 30-31 ही दिखा रहा था। अभी गाड़ी थोड़ी सी चलाते हैं एंड फिर देखते हैं कि क्या बनता है। इसको सॉल्व करने के तरीके हैं 2-3। सो अभी हम उसी को ट्राई करेंगे, देखते हैं। उनसे बात बन गई तो ठीक है, वरना इसको एजेंसी लेके जाना पड़ेगा। सो चलते हैं, लेट्स गो गाइस। थोड़ी सी गाड़ी अब चली है तो टायर प्रेशर आ चुका है एंड देख सकते हो 29, 29, 30, 31 है। एंड मॉर्निंग में भी ये सारे मतलब बराबर थे, 32 थी सब में। एंड कोई ऐसा नहीं है कि पंचर है टायर में या कुछ है, मतलब हो सकता है हो, अभी चेक करवा लेंगे एक बार। एंड द शॉकिंग पार्ट इज कि यार, नई गाड़ी में, अभी इसको साल भी नहीं हुआ है गाड़ी को, इट्स बीन जस्ट फ्यू मंथ्स एंड ये एरर आ चुका है। आई नो यार, है तो देखो मशीन ही, अब सेंसर भी कोई ऐसा तो है नहीं कि यू नो लाइफ टाइम गारंटी के साथ है। माल फंक्शन हो जाता है चीज़ों में, इन द एंड ऑफ द डे है तो मशीन ही। बट यार स्टिल थोड़ा सा तो दुखता ही है कि नई गाड़ी में यू नो ऐसे एरर्स आने शुरू हो जाए। सो अभी देखते हैं। जो इसके मैं वे आउट्स बताता हूँ आपको कि क्या है। सो पहला वे आउट तो ये है कि यार देखो, इसमें हम हवा डलवाएंगे एंड थोड़ी देर के लिए गाड़ी को चलाएंगे फॉर लाइक रख लो 5 मिनट या अबाउट 8 to 10 kilometers। अगर हट गई तो ठीक है, अगर नहीं हटी तो उसके बाद इसका दूसरा इलाज ये है कि पूरा ही डीफ्लेट करा के इन्फ्लेट करा दो टायर। एंड उससे भी बात नहीं बनी तो फिर ये सोल्यूशन है कि गाड़ी को लिफ्ट पे उठा के टायर रोटेशन कर लो। अगर उससे बात भी नहीं बनी तो इसका मतलब आपका सेंसर ही गया, इसका मतलब कि जो सेंसर है ये डैमेज्ड है। एंड अभी यार अगर मैं आपको गाड़ी से उतर के दिखाता हूँ गाइस, फाइनली हमें टायर वाले की शॉप मिल चुकी है एंड इसका जो टायर प्रेशर है वो भी देखो बढ़ गया है। अभी 30 दिखा रहा है, अगर मैं MID पे दिखाऊं सब में 30, 30, 31 हो गया। एंड एक बार यार उतर के दिखाता हूँ। बेसिकली ये देखो टायर पूरा ठीक है, हवा बिल्कुल ओके है एंड फिर भी एरर आ रहा है यार। चलो हवा डलवाते हैं फिर देखते हैं कुछ होता कि। कम थी इसमें कितनी भी थारा। कितनी 18 ऐसा हो सकता है पंचर हो। भाई अभी हवा डलाई थी और भैया कह रहे हैं इस वाले में 18 थी जिसमें फॉल्ट दिखा रहा है TPMS। एंड पीछे वाले में भी कम है, इसमें 28 बताया भैया ने, MID पे 30 दिखा रहा है। बट चलो ऊपर नीचे एरर होता है तो देखते हैं, पंचर के लिए चेक करवाते हैं, हो सकता है इसमें पंचर हो एंड फिर क्या बनता है। भाई मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि चक्कर है क्या, तो मैं बताता हूँ हुआ क्या। भैया ने हवा डाली तो जिस टायर में वो फॉल्ट दिखा रहा था लेफ्ट वाले में कि टायर प्रेशर कम है, उसमें भैया ने बोला कि हवा थी 18 और जो बाकी टायर्स हैं उनमें भी मैंने बोला कम थी, एक में 15 थी एक में 28 थी। अब मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे तो पर्सनली लग रहा है भैया का जो वो नापने वाला सिस्टम है वो ख़राब था, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा वेरिएशन तो हो नहीं सकती है। एंड TPMS में भी मतलब ठीक है, एरर रेट जो होता है 1-2 PSI ऊपर नीचे दिखा देता है वो, बट यार ये तो मतलब बहुत ही शॉकिंग बात थी कि मतलब एक टायर में 15 और TPMS में दिखा रहे 30 है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे तो ये लगता है भैया का जो पंप था जिसे नापा उन्होंने, वो आई थिंक वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि इतनी वेरिएशन नहीं हो सकती यार।
एंड 30 तो मतलब यहाँ 30 दिखा रहा है, टायर में 15 है, मतलब ऑलमोस्ट अधो अध का ही फर्क हो गया, तो इतना तो नहीं हो सकता। बट चलो अब देखते हैं, थोड़ा गाड़ी को चलाते हैं, होपफुली नहीं आनी चाहिए। अब देखो यार इसकी रीडिंग देखो, एक में 39 हो गई है, दो में 36 है, एक में 37 है, मतलब भाई बुरा ही हाल है, कुछ नहीं कह सकते भाई। अभी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चला लेते हैं एंड फिर देखते हैं, अगर तो ठीक हो गया तो बढ़िया है, अगर ठीक नहीं हुआ और फिर से लाइट आ गई, बस मैं ये प्रे कर रहा हूँ कि अब फिर से लाइट ना आए। चलो हवा डलवा ली है, वैसे भी हवा मतलब चेक करवाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, आई थिंक जब से लिया उसके बाद एक बार ही कराई थी मैंने, एंड गाड़ी का रन भी काफ़ी होता है, तो उस वजह से शायद हो सकता है कि थोड़ा सा जो है दिक्कत आ गई हो। बट ये फंडा तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया भाई, कि भैया के सिस्टम में 15 दिखा रहा है और इसके TPMS में वो 30 दिखा रहा है। पर एनीवेज गाइस, अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना यार, अगर कभी हुआ है ऐसा। मतलब मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसा कि TPMS में ऐसे वार्निंग लाइट आई है और इतनी वेरिएशन हो गई है। गाइस एक काम करते हैं, एक आइडिया आया, अभी किसी दूसरे टायर वाले के पास चलते हैं एंड उससे टायर प्रेशर चेक करवाते हैं, आई थिंक उससे पता लग जाएगा कि उनके गेज में दिक्कत थी कि नहीं थी, एंड अगर तो भाई ठीक आया तो फिर देख लेंगे, फिर तो कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। बट चलो चलते हैं। इसमें कितनी है? इसमें भी मेरे पास 40 तार आ गया। 40 तार है? चलो कोई नहीं, इसमें भी इतनी है, 39 39। गाइज अब तो मेरे सच्ची को समझ में नहीं आ रहा, अभी एक दूसरे भी आते टायर वाले, तो उनके पास जाके हमने फिर से हवा चेक करवाई एंड उनको भी मैंने 35 बोला, सो वहाँ पे पर एक्यूरेट दिखा रहा था, जैसे इसमें 39 दिखा रहा था तो भैया के पास भी वो 40 के आसपास ही दिखा रहा था, एक दो ऊपर नीचे चलता है भी ऐसे जैसे उन्होंने बताया। बट यार अभी भी मुझे सच्ची से कह रहा हूँ, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि भैया ने बोला कि 15 थी और इसमें 30 दिखा रहा था, भाई दैट इज़ अ मिस्ट्री टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता क्यों दिखा रहा था, कैसे दिखा रहा था, बट भाई अधो अध का फर्क आना तो इज़ लाइक मतलब नाउ मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि इज दिस थिंग रिलायबल। गाइस गाड़ी अभी मैं ठीक ठाक चला चुका हूँ फॉर लाइक 10-20 किलोमीटर्स एंड काफ़ी टाइम हो गया है, लाइक गुड हाफ एन आवर। सो फिलहाल के लिए तो इशू सॉल्व हो चुका है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अभी कोई एरर लाइट या कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी टायर प्रेशर्स काफ़ी अनइवन हो रखे हैं, 36 36 37 39। सो अब भैया ने भी, मैंने बोला तो था कि 35 भर दो, बट आई थिंक उनका जो इंस्ट्रूमेंट था जिससे उन्होंने मेजर करी है ये, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें भी कहीं एरर रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि यार ऐसा हो नहीं सकता। मतलब द शॉकिंग पार्ट इज कि एक टायर में 15 PSI हवा है एंड इसके सेंसर में 30 दिखा रहा है, सो मुझे वो चीज़ काफ़ी मतलब लगा कि इतना ज़्यादा मैल फंक्शन हो नहीं सकता। मतलब जो कंपनी के टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं जो हमें इन गाड़ियों में बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, उनमें एरर रेट होती है, एज इन मतलब 1-2 PSI ऊपर नीचे हो जाए वो चलता है, बट यार 15 PSI होना और उसके बाद MID पे 30 दिखाना, मतलब इट्स समथिंग, मतलब मेरे तो समझ में नहीं आया कि क्या फंडा था। बट चलो टचवुड, एज ऑफ नाउ इशू सॉल्व हो चुका है, कोई इतना मेजर कंसर्न है नहीं अभी। और यार सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे आप एक नई गाड़ी परचेज करो ना और मतलब थोड़े टाइम में ऐसे एरर आने लग जाए, वैसे तो हो मतलब टायर प्रेशर कम होना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है नई गाड़ी में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा मैं ज़्यादा कंसर्न इसलिए हो गया था क्योंकि रीडिंग की वजह से दिखा रहा था कि 30 है, 30 PSI है एंड फिर भी लो प्रेशर दिखा रहा था, तो होता है ना वो एक एजम्पशन आ ही जाती है कि यार चलो हो सकता है सेंसर ही खराब हो गया होगा या कुछ हो गया होगा। मतलब अगर TPMS में ऐसा होता कि यू नो 22 दिखा रहा है, 15 दिखा रहा है और फिर कह रहा है लो प्रेशर, तो बात समझ में आती है, चलो अगले को भी पता लगता है कि यार ठीक है कि पंचर होगा गाड़ी में एंड पंचर चेक करा के अपना हवा डलवा के एवरीथिंग इज़ गुड। बट वो PSI जो रीडिंग दिखा रहा था ना, उस वजह से मैं थोड़ा कंसर्न हो गया था कि यार ये कुछ लंबा पंगा ना पड़ जाए। बट एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अभी के लिए एरर सॉल्व हो चुका है, इन फ्यूचर अगर इस पर कुछ होता है, फिर से एरर लाइट आती है, तो आई वुड डेफिनेटली मेक अ व्लॉग अबाउट इट। अभी के लिए चलते हैं, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।